हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेज बाइट्स विद सिस्टर्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी ट्रायंगल्स विद सालसा टॉपिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, इसे हमने छान करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, एक बड़ा चम्मच तेल मोयन के लिए, साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें उंगलियों की सहायता से मिक्स करना है, इसे हथेली से मिक्स नहीं करना है। मोयन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का कुनकुना पानी। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हम एक टाइट डो इसका बना लेंगे। हमारा डो लगकर के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। हमारा डो तैयार है, चलिए इसके छोटे छोटे गोले बना करके रख लेते हैं। बॉटम में थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखा है ताकि जब हम इन्हें बेलें तो ये चिपके ना। आइए अब इन्हें बेलना शुरू करते हैं। इन्हें हमें पतले बेलना है। जितना चाहे आप उतना इससे पतला कर सकते हैं। अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। पहले लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कीजिए, इसके बाद इसे ट्रायंगल शेप देंगे। आप जैसा चाहें और जितना बड़ा चाहें उतना ट्रायंगल बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे। साथ ही हम दूसरी ओर तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम लो फ्लेम पर हमारे ट्रायंगल्स को फ्राई कर लेंगे। हमारे ट्रायंगल्स हल्के गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम करेंगे इनकी टॉपिंग्स। आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ होती है 8 से 10 दिन। इन्हें एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। हमारे ट्रायंगल्स फ्राई हो चुके हैं, चलिए अब बना लेते हैं सालसा टॉपिंग के लिए। हम ऐड करेंगे 1 चॉप टमाटो। इसमें से हमने सीड्स निकाल दिए हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 1 चॉप्ड ऑनियन, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 नमक अपने स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम हमारे सालसा के साथ हमारे ट्रायंगल्स की टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। गार्निश करेंगे इसे चीज़ के साथ। तैयार हैं हमारे क्रिस्पी ट्रायंगल्स। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।